तो देखिए, इस क्वेश्चन को आपने पढ़ा होगा, है ना। तो इस तरीके से कुछ डाटा दे रखे हैं कि 10 अपने पास टीके कफ हैं, उनमें से 3 जो कफ हैं वो हाई ग्रेड वाले हैं और 7 जो हैं वो लो ग्रेड वाले हैं, है ना। अच्छा, और मोदी जी हैं वो टी टेस्टर हैं, चेक करके बताते हैं कि अगर हाई ग्रेड कफ है तो उसकी सही मायने में अगर वो अनुमान लगाते तो 0.9 प्रोबेबिलिटी से बता रहे कि हाँ कि हाई ग्रेड वाला हाई ग्रेड है ना। और 0.1 चांसेस उनके भी गलत हो जाते हैं कि 0.1 प्रोबेबिलिटी से बोल देते हैं कि हाँ वो लो ग्रेड है, कभी गलती से। ऐसे यहाँ पे बोला गया लो ग्रेड वालों को 0.8 चांसेस है वो करेक्ट बताते हैं लो ग्रेड है, और 0.2 चांसेस से रॉन्ग रॉन्ग बता रहे हैं कि वो जो लो ग्रेड था गलती से कभी कभी हाई ग्रेड भी बता दे रहे हैं। तो इसको फिर से ये अगेन जो है कंडीशन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, मोदी जी ने बोला है कि हाई ग्रेड है ना। अच्छा, क्या चांसेस था कि वो लो ग्रेड था, तो आप ऐसे समझ लो हाई ग्रेड कहाँ कहाँ बन सकता है। एक तो ये चांसेस है, एक ये चांसेस है। ये कैसे बना कि सच में हाई ग्रेड था और मोदी जी ने भी सही बताया, है ना, तो अपने पास ये हाई ग्रेड बना। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या था, गलती से भी बता सकते हो लो ग्रेड था एक्चुअली में, और गलती से उन्होंने 0.2 प्रोबेबिलिटी से जो बताया वो लो ग्रेड हो गया। तो हाई ग्रेड होने के चांसेस देखें, अगर अपन कैलकुलेट करें तो नीचे बनेगा हाई ग्रेड। कैसे कैसे बोल सकता है, वाकई में हाई था और करेक्ट बताया, तो 0.3 × 0.9, ये मेरे चांसेस हो गए 0.3 के, मतलब हाई ग्रेड था और करेक्ट बताया। प्लस और दूसरा चांसेस क्या हो सकता है, 0.7 × 0.7 × 0.2, ये हमारे बन सकते हैं। अच्छा, अब ये तो तुम्हारे टोटल वो चांसेस हो गए जब हाई ग्रेड बन सकता था। अब इन्होंने पूछा है कि सच में जो था वो लो ग्रेड था, तो लो ग्रेड होने के लिए बोलो किसका, यही तो बन सकता है ऑप्शन, है ना, ये फेवरेबल केस हो जाएंगे। तो इसमें अपन बात करें 0.7 × 0.2, बोलो ये बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहाँ पे अपन कैलकुलेट करेंगे तो बनेगा 0.4, और ये बनेगा कितना, 0.27 + 0.4। तो ये कैलकुलेट करा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 14/41 ये बन जाएगा, है ना। और इसी की वैल्यू दे रखी, ये को प्राइम नंबर है, ए बाई बी की फॉर्म में बोलिए, है ना, आगे कैंसिल होने वाले नहीं है। तो पूछा क्या गया है, 3a - b पूछा है शायद, है ना। तो 3a कितना हो जाएगा, 14 × 3 - 41, मतलब ये बनेगा 42 - 1, 1, यही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।